दुनिया में फैला कोरोना ओमिक्रॉन के रूप में फिर से चीन को अपनी चपेट में ले रहा है। चीन से आई तस्वीरों ने लोगों में खौफ भर दिया है। ये तस्वीरें डराने वाली हैं। इससे पहले साल 2020 में इस तरह की कोरोना महामारी से जुड़ी तस्वीरें चीन से सामने आई थी, लेकिन अब जो तस्वीरें चीन से आई हैं, उसमें चीनी अफसर संदिग्ध कोरोना मरीजों को उनके घरों में नहीं बल्कि ऐसे कंटेनर नुमा दड़बों में सील कर रहे हैं, जहां रहना किसी भी इंसान के लिए बेहद बुरा सपना है। चीन के कुछ वीडियो सामने आए हैं, इसमें देखा जा सकता है कि एक मरीज को पीपीई किट पहने अफसर उनकी बात नहीं मानने पर कैसे लात घूसों से बुरी तरह पीट रहे हैं। चीन में हर उस शख्स को ऐसे कंटेनरों के अंदर बंद किया जा रहा है जो या तो खुद कोरोना के संदिग्ध है या फिर जिनके आस पड़ोस में किसी को भी कोरोना डिटेक्ट हुआ है। चीन में इन दिनों कोरोना को लेकर जीरो कोविड की पॉलिसी का आदेश तानाशाही सरकार ने दिया है। इस पॉलिसी को सफल बनाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है, फिर चाहे इसके लिए उसे खुद अपने ही नागरिकों के इंसानी हक ही क्यों ना कुचलने पड़े। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। खुद दुनिया भर में बसे चीनी लोग अपने अपने ट्विटर, इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया हैंडल से ऐसी तस्वीरें पोस्ट कर चीनी सरकार की आलोचना करने में लगे हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरों में कंटेनर नुमा मेटल बॉक्सेस के साथ उन बसों की लंबी कतारें भी दिखाई देती हैं। इनमें भर भर कर लोगों को कंटेनर नुमा बने क्वारंटीन कैंप्स में भिजवाया जा रहा है। असल में बीजिंग में अगले महीने विंटर ओलंपिक्स की शुरुआत होने वाली है, इसे लेकर चीनी सरकार ने अपने अफसरों पर देश को कोविड फ्री बनाने को लेकर जबरदस्त दबाव बना दिया है। ऐसे में चीन की जीरो कोविड पॉलिसी के तहत लाखों लोगों को पकड़ पकड़ कर क्वारंटीन सेंटर्स में भिजवाया जा रहा है, जहां हर किसी के लिए कम से कम 2 हफ्ते का वक्त गुजारना बेहद जरूरी है।